रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला पुल मॉस्को के लिए साजो सामान संबंधी उद्देश्यों से काफी अहमियत रखता है। ये क्रीमिया के लिए रूसी सेना और इस पर रूसी नियंत्रण को बरकरार रखने का एक अहम आधार भी है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच उस पर अब तक 3 बार हमला हो चुका है। दक्षिणी यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण पुल है। मगर हाल में जर्मन वायुसेना में जनरल इंगो गेरहार्ट समेत उच्च पद के अधिकारियों की बातचीत का एक वीडियो लीक हुआ है। इसमें रूस के खिलाफ संभावित सैन्य अभियानों पर चर्चा की गई। करीब 40 मिनट की इस रिकॉर्डिंग की अब जर्मन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि जर्मन सैन्य अधिकारियों के बीच लीक हुई ये चर्चा सच्ची है। इसके बाद से नया विवाद खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, जर्मनी डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। न्यूज एजेंसी आरटी ने दावा किया कि अधिकारियों ने लंबी दूरी की टॉर्स क्रूज मिसाइलों के परिचालन और लक्ष्यीकरण पर चर्चा की, जिसे जर्मनी रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए यूक्रेन भेजे जाने पर विचार कर रहा है, जिस पर इन दिनों जर्मनी में काफी बहस भी चल रही है कि ये मिसाइलें यूक्रेन को भेजी जाएं या नहीं, जैसे कि डिलीवरी पर पहले ही सहमति हो चुकी हो। बता दें कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स टॉरस मिसाइलों को यूक्रेन में भेजने के विरोध में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसे संघर्ष और बढ़ सकता है। क्रीमियन ब्रिज पर हमला करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने की जर्मन सेना की कथित योजनाओं की लीक रिकॉर्डिंग जर्मनी और नेटो सहयोगियों के बीच दरार पैदा कर सकती है। ऐसा दावा है कि जर्मन सैन्य अधिकारियों की बैठक एक गैर एनक्रिप्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेब एक्स पर हुई थी, जिसमें एक अधिकारी ने कथित तौर पर सिंगापुर के एक होटल के कमरे में फोन किया था। जर्मन अधिकारी अक्सर संवेदनशील बातचीत के लिए वेब एक्स का इस्तेमाल करते हैं। टॉरस मिसाइलों के उपयोग के अलावा जर्मन अधिकारियों ने कथित तौर पर यूक्रेन में विदेशी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी का भी जिक्र किया, जो कीव को वेस्टर्न सप्लाई वाले हथियारों को ऑपरेट करने में मदद करने के लिए तैनात किए गए थे। वहीं इस पर रूसी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन में पश्चिमी सेवा के सदस्यों की उपस्थिति कोई नई बात नहीं है। दूसरी ओर लीक हुई रिकॉर्डिंग से रूसी अधिकारियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। रूस ने यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों की खेप की निंदा करते हुए कहा कि वे केवल संघर्ष को लंबा खींचते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने लीक हुई रिकॉर्डिंग पर जर्मनी के स्पष्टीकरण की मांग की है। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जर्मन एक बार फिर हमारे कट्टर दुश्मन बन गए हैं। मालूम हो कि क्रीमिया ब्रिज को पुतिन की आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। ब्लैक सी के सीने पर बना हुआ ये पुल अब 19 किलोमीटर लंबा है। क्रीमिया पुल की सुरक्षा के लिए ब्लैक सी में वॉरशिप और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, जबकि पुल पर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जाती है। वहीं ये पुल यूक्रेन की कड़ी आपत्ति के बावजूद बनाया गया था। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से लगातार इस ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश की जाती रही है।